जय हिंद एवरीबडी वेरी गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज फर्स्ट ऑफ जुलाई विच इज सेलिब्रेटेड एज सी ए डॉक्टर्स डे बट वी एज चार्ट अकाउंटेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिब्रेट सी ए डे तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश के दो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट्स डॉक्टर्स आज ये डे सेलिब्रेट करते हैं सो सी ए फर्स्ट ऑफ जुलाई बिकॉज सी ए इंस्टीट्यूट वो सेटअप ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइन सी ए डेस्ट भी फर्स्ट uh, हुआ सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी ठीक है उसके थ्रू सेटअप किया गया आईसीआई नाम की बॉडी को uh, जो हमारा लोगो है जो uh, एक ईगल है ठीक है गरुड़ उसको हम लोग कह सकते हैं अपने अगर इंडियन उसको माइथोलॉजी से रिलेट करें तो तो एक ईगल है चील कह सकते हैं गरुड़ कह सकते हैं खैर वो क्या सिग्निफाई करता है वो सिग्निफाई करता है शार्पनेस आपका एक तेज दिमाग आपकी तेज आंखें वो नहीं जो इससे कि तुम लोग अपने दोस्त को देखते हैं बहुत पैसा उड़ा रहा है तो वो नहीं बट ये वो तेज आंखें जो कि हर एक चीज को पहचान सके और समझने की परख रखे वैसी वालियां ठीक है उसके बाद जो हमारा हम कह सकते हैं लोगों के साथ में एक मोटो है यह येशु सप्तेशु जागृति कभी सुना है हमारा जो सी ए इंस्टीट्यूट का लोगो है उसके नीचे लिखा रहता है यह सुप्तेशु जागृति शु जागृति का मतलब होता है दूस इज स्लीपिंग जब सब सो रहे हैं तो जो जाग रहा है वो चार्टेड अकाउंटेंट है तो जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो उसमें जागने वाला जब किसी के दिमाग में कुछ ना चल रहा हो उसमें वो सोच लेने वाला जिस समय कोई अवेयर ना हो उसमें भी अवेयरनेस रखने वाला चार्टेड अकाउंटेंट होता है तो क्या नाम है इसका हमारे मोटो का ये सुप्तेशु जागृति बींग फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स हम आप सबको यही कहेंगे कि सी इज अ प्रोफेशन जिसको लोग बहुत इज्जत से देखते हैं थोड़ा ठीक और बहुत में अगर कहना हो तो ये बहुत इज्जत से देखते हैं अगर कोई इंजीनियर भी अगर जाए तो एक इंजीनियर भी हो सकता है अलग अलग प्रकार के होते हो एक छोटा इंजीनियर बड़ा इंजीनियर बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है लेकिन सीए खुद में बहुत बड़ा है उसमें छोटा सीए बड़ा सीए तो बाद में आता है आपके नाम के आगे अगर सीए लग गया है वो तो सीए है अच्छा सीए कितना बड़ा प्रोफेशन है कि आपने नाम के आगे वो टाइटल लगा करके घूमते हैं है ना आपने नाम के आगे लगाएंगे अंकित मेरा नाम है तो मैं अपने नाम के आगे लगाता हूँ सीए अंकित अंकित तो वो एक प्राइड देता है लेकिन हर एक प्रोफेशन के पास हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारा प्रोफेशन ही दूसरों के प्रोफेशन के कंपेरिजन में नहीं कह रहे हैं बट आपको अपनी चीज़ों पर हमेशा एक प्राइड होना चाहिए अपनी चीज़ों की अच्छाई मालूम होनी चाहिए ठीक है उस पर एक नाज एक गर्व होना ही चाहिए ठीक है क्योंकि दुनिया तो बुराई बताने के लिए है ही हम कुछ अच्छा ही समझ लें तो क्या दिक्कत है तो कोई अपने नाम के आगे में जल्दी से इंजीनियर है तो ईआर नहीं लिखेगा कोई जबरदस्ती लिख दे हम लोग का सीए देखते देखते तो अलग बात है कोई एमबीए तो अपने नाम के आगे एमबीए नहीं लिखेगा और नो। एक सीए अपने नाम के आगे लिखेगा, उसको नाज है उस पर और वो उसकी कीमत दुनिया जानती है उसके प्रोफेशन को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है दुनिया को आप एक बार सीए बन जाओ फिर उससे बस आप इतना कहो कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं मैं सीए हूं बस बात बाकी तो लोग तो समझ ही जाएंगे आ, भौकाल असल जिंदगी में आपको भकाल वाली ही फीलिंग आएगी एक दो बात में आपके साथ शेयर करते हैं कि सीए बनने से कैसे कैसे डिफरेंस आ जाता है एक बार शायद मैंने कभी शेयर किया हो आपके साथ में क्योंकि वो रिएक्शन मेरे दिमाग से नहीं जाता है एक ब्लड डोनेशन के लिए एक बार हम गए थे और ब्लड डोनेशन जब हो रहा था तो उस टाइम पे ऐसा ही भाई शाम का समय था ऐसे ही बारिश का वक्त था और हम अपना पहुंच गए फिर ब्लड डोनेशन करने के लिए थोड़ा दूर था वो भी सो वहाँ पे जब हम ब्लड डोनेट कर रहे थे तो ऐसे ही बैठे हुए थे लेटे हुए थे मतलब जो ब्लड डोनेट करने के लिए एक बेड होता है उसको लेटे हुए थे तो जो डोनर के रिलेटिव थे एक लेटेव बैठा हुआ था वो हमसे ऐसे ही बैठे बैठे पूछा और बताइए भैया आप क्या करते हैं हमने कहा मैं चार्टेड अकाउंटेंट सी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फिर उसके बाद तो जैसे वो भैया से सीधे उसने फिर सर एड्रेस किया सर अरे आप आए हमारा सौभाग्य तो जैसे उसके लिए वो खून की बोतल इतनी कीमती हो गई थी, थी पहले भी थी बहुत थी लेकिन उसके मन में ये था कि नहीं भैया एक सीए आया है तो वो रिएक्शन आज भी मेरे दिमाग से जाता नहीं है कि वो रिएक्शन कैसा था एक और ऐसी बात बताते हैं बनने के बाद बहुत से ड्रीम्स पूरे हुए बहुत सी चीजें पूरी हुई लेकिन वो सब तो चलो ठीक है एक अलग एस्पेक्ट था थोड़े थोड़े बदले भी लेने को मिले एक बदला एक बदला ऐसा नहीं था कि नहीं किसी ने कुछ बोल दिया था तो वो सब वैसा कुछ मेरे साथ में इंसिडेंटली हुआ नहीं या हम कुछ बोलते भी था कोई तो हम उतना ध्यान नहीं देते थे ठीक है हालांकि किसी को ज्यादा कुछ बोलने का कभी मौका मिला भी नहीं लेकिन भाई पहले क्या होता था पहले के सिस्टम में बैंक्स होते थे और हमारे घर के ठीक बगल में एक बैंक था पहले उसका नाम अलाहाबाद बैंक हुआ करता था ठीक है अब वो मर्ज हो गया इंडियन बैंक में तो हम अलाहाबाद बैंक को बोल सकते हैं इंडियन बैंक को कुछ नहीं बोल रहे तो अलाहाबाद बैंक था अब वहां पे हमारे घर के बगल में एक ब्रांच थी वहां पे मतलब आ, ब्रांच में चले जाओ आप तो उसका कैशियर भी ऐसे दिखता था कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे क्यों ही आए हो भाई यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है और उनको अगर कुछ कह दो कुछ पूछ लो कुछ समझ लो नहीं हमारे पास समय नहीं है ये हम बैंक के मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं बैंक के बाहर में जो क्लर्क्स बैठे रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं उस समय हम सीए बने भी नहीं थे और आर्टिकलशिप का पीरियड था बट आर्टिकलशिप से ही भोकाल था कोई दिक्कत नहीं थी उसमें तो उस समय फिर हम लोगों को बैंक की स्टैचुटरी ऑडिट पे जाने का मौका मिला और जानते हो कहां गए थे अलाहाबाद बैंक <laughs> लेकिन इस बार क्लर्क के पास नहीं गए थे इस बार हम गए थे सीधे मैनेजर के ऑफिस में हम गए थे आए ऑडिट करने वो सीधे मैनेजर ऐसे उठ करके अरे सर आइए बैठे हम उसके बाद वो एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा करके टै <laughs> फिर उसके बाद वो बैठे अब साहब हम और अगर आपको बताएं तो मेरे साथ मेरे दो और फ्रेंड्स भी थे बट वो गए थे जूनियर्स ठीक है आई वॉज देर एज ए सीनियर तो हमने फिर वहां पे बैठे ही नहीं थे कि मतलब आपको मुंह खोलने का मौका नहीं मिलेगा पहले आपके सामने देखो काजू की बर्फी एंड सॉल्टेड काजू मस्ट है तो वो आया लेकिन हमने कहा पहले तो आज इनकी गलतियां ढूंढ के निकालेंगे थोड़ी देर बैठे थोड़ी देर बैठे नहीं लंच का समय हुआ नहीं है कि सर लंच ले नहीं अभी रुकिए तो हमने ढेर सारी गलतियां ढूंढना शुरू किया उसके अंदर में सवाल जवाब करना शुरू किया अब जब ये सवाल जवाब चल रहा था उस दौरान बैंक मैनेजर के पसीने आ रहे थे अब शाम को आप समझिए जब हम निकल रहे हैं तो मैनेजर साहब खुद आ रहे हैं बाहर हमको ड्रॉप करने के लिए <laughs> तो खुद आ रहे हैं और सर सब ठीक है ना और सब सब हम हाँ, हम हाँ, हाँ, सब ठीक खैर बहुत ज़्यादा कुछ उसमें फिर ऐसा नहीं है कि खुन्नस के मारे किया गया हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग्स एक रूरल ब्रांच में थे। लेकिन रूरल ब्रांचेस में उनकी हालत ऐसी रहती है। वो भी बैंक का था लेकिन उनकी हालत ऐसी थी सर सब एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है सब पैसा सब पैसा डूब गया सब डिक्लेयर कर देंगे रूरल बैंक का अपनी मस्ती होती है उनको पता होता है उनका पैसा गया है तो आने नहीं वाला है खैर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट बहुत कुछ आ, मिला बहुत कुछ पाया और सबसे अधिक जो अच्छा लगता है वो ये है कि हाँ हमने आ, दो दो बच्चों को सी बनाया माए ब्रदर इज ऑल्सो दे आप लोग पढ़ते हैं अजय सर तो हमने उन सबको पढ़ाया इतना नाम किया तो आज हमको सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यस माई मदर माई फादर कैन से कि हाँ मेरा बच्चा चार्टेड अकाउंटेंट सी ए है ठीक तो दैट गिवस मी इवेंट्स प्राइड वो एक मेरे को बहुत प्राइड देता है सो टीचिंग हैज बीन माई पैशन एंड ये सी ए इज़ माई प्रोफेशन जिसको लेकर के मुझे बहुत नाज है और सी ए बनने के बाद वो पहला दिन जो मेरा था आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग सी so, ए बनने के बाद जो मेरा पहला दिन था कोचिंग में आई स्टिल रिमेम्बर एक डिफरेंट उस समय अपना सेटअप था यानी डिफरेंट जगह पे था तो देर वॉज अ बिग हॉल और मतलब एक हॉल टाइप था और वहां पे जस्ट हम एंटर कर रहे थे और मेरी एक किताब थी उस समय सी एस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था इसमें ऑडिट था तो ऑडिट की मेरी एक बुक थी उसमें नाम तो उस समय भी लिखते थे अंकित लल्हा ठीक है तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था अंकित लल्हा तो आई वेंट ऑन देअ एंड स्टूडेंट्स uh, ने हमको विश किया कि हाँ ठीक है सर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड एवरीथिंग आई सर थैंक यू फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि मेरे लिए सबसे अधिक मोटिवेटिंग था या बेस्ट था उन्होंने नाम के आगे लिखा जो अंकित लाल लिखा हुआ था उसके नाम के आगे लिखा सी तो हम उसके बाद जब भी आपका नंबर जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स का होता है कॉन्टैक्ट अगर अपने पास सेव्ड रखते हैं तो उसके नाम के प्रिफिक्स में नहीं सफिक्स में सीए लगाते हैं यानी लास्ट में जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम है अपूर्व हाँ अपूर्व राज तो हम अपूर्व राज उसके बाद लिखते हैं सीए तो आई ऑलवेज कि आपका किसी दिन ये ये आ, सफिक्स है ये किसी दिन प्रिफिक्स बनेगा तो ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ में हुआ कि उनके नाम के आगे पहले सफिक्स में लिखा हुआ था बाद में जाकर के हम आ, उनके नाम में उसको पहले जोड़ते हैं एडिट करते हैं उसको फिर लिखते हैं सी so i hope you all end up to be wonderful chartered accountants happy ca day once again